बेटा निकाल दे निकाल दे। ओए अंकल जी, ओए तुम्हारा हेलमेट खराब कर दिया है इसने, ओए इसका सर फोड़ दो। अभी ये बसुड़ी और काजल दोनों फिल्टर हटाओ, नहीं हटाएंगे। बसुड़ी कौन है? गाइड आप लोग टेंशन मत लो, तुम तीनों को बिना फिल्टर के दिखाने की जिम्मेदारी मेरी मेरी मेरी, मेरा ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब करके रखो। मेरा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखो, तीनों को बिना फिल्टर के दिखाऊंगा ब्लॉग में। हाँ ये तो बिना फिल्टर की रहती है मिस्टी, तो बाकी इन दोनों को बिना फिल्टर के दिखाना ही मेरा लक्ष्य है और मेरा वचन ही है, मेरा शासन। मुझे फॉलो करके रखो, एक महीने के अंदर अंदर इन दोनों महिलाओं की सच्चाई मैं जनता के सामने लेकर आऊंगा। नहीं आएगी, नहीं आएगी हमारी सच्चाई। आएगी, आएगी। मैं बताऊं, एक बार बताऊं, दिल्ली मत जाओ, अमृतसर आ जाओ, फिर मेरे को ले जाना साथ में। सही है, एक कह रही है नोएडा आओ पहले फिर मेरे को साथ में लेके जाओ, एक कह रही है हरियाणा आओ फिर मेरे को लेके जाओ। हमारे यहाँ से अमृतसर कम से कम 6-7 घंटे का रास्ता है। मैं ना दिल्ली जाऊंगी, मेरा बर्थडे 14 सितंबर को। अगर आरोही, अगर आरोही यूट्यूब पे, जय माता दी, अगर आरोही यूट्यूब पे व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती है तो हम तो आएंगे हिमाचल, वृंदावन, अमृतसर, हर जगह घूमे। अच्छा वृंदावन का प्लान होना किसी का तो बता देना। मेरा बंदा जाना है। कब है? वैसे तो सितंबर में, सितंबर स्टार्टिंग में चलते हैं, बर्थडे को नहीं जाऊंगा। ओके, कभी भी बोल देना वृंदावन के लिए, गोवर्धन के लिए। तो इसके तो घर पे 2 घंटे का रास्ता है, आरोही का, आरोही जाना वृंदावन चलना है। ठीक है बना लो प्लान फिर। मेरा मजाक उड़ाते हैं ये फ्लावर्स का। हाँ फ्लावर्स आ गए मेरे से। मैंने कहा हमारे फॉलोवर्स यार छोड़िए, हमें क्या मतलब प्लान हो, प्लान हो, प्लेन हो। वृंदावन बहुत अच्छे अच्छे लहंगे मिलते हैं, मैंने देखे थे, बहुत सुंदर सुंदर। भाई लहंगे लहंगे लेने वृंदावन कोई नहीं जाता, दर्शन करने जाता है, कुछ तो शर्म कर लो। नहीं कसम से वहाँ पे ना उनकी जो पता क्या बात है, वहाँ पे ना अंग्रेज आते हैं ज्यादातर, तो अंग्रेज सबसे आते हैं ये लहंगा जो खरीदते हैं, इसको वहाँ पहुँचा होता ना वहाँ कपड़े। भाई काम करेंगे अपन, वृंदावन चलेंगे, तुम सब 10-15 लहंगे लेना और वापस आ जाएंगे, है ना? लहंगे लेके पहन के वीडियो भी तो बनाएंगे वहाँ पे। ये भी सही है, वहाँ पे ना अंग्रेज वंग्रेज काफी होते हैं, उधर वीडियो बनाएंगे उनके साथ। अंग्रेजों से बुलवाएंगे जय बाबा की। नहीं वो तो बोलते हैं वहाँ, वो तो मतलब हर एक भजन उनको याद रहता है। पता है इतनी शिद्दत से कोई हिंदू अपने धर्म की पूजा नहीं कर सकता जितनी शिद्दत से वहाँ पे अंग्रेज करते हैं। मैंने चीज नोटिस किया, अपन भी नहीं कर सकते इतना वो करते हैं वो लोग। जब मैं वृंदावन गई थी ना, तो तब मैंने देखा था अंग्रेजों का जो भक्ति भावना और जो श्रद्धा थी ना। सेप्टेम्बर पक्का है वृंदावन? मैं फरवरी में गई थी, ये वाले ये जो अभी आ गया, अभी आज का बताओ गए थे वो तो, अभी मैं तो काफी दिन रह गया था। मैं तो अपने बर्थडे के पास बोल रही हूं, बर्थडे के पास जाना है मुझे। सितंबर मिस्टी का पक्का, आरोही आरोही तो हम वृंदावन देखने पक्का पक्का। काजल वृंदावन देखने पिक कर लेंगे, देखो वहीं से निकली ट्रेन। डन डन, ठीक है मेरा तो डन 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 डन। मैं तो वैसे गोवर्धन वृंदावन के लिए कभी भी बोलो, कभी भी एनी टाइम। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मथुरा से सबसे पहले बरसाना चलेंगे, बरसाना के बाद हम वृंदावन चलेंगे, मतलब मजा आ जाएगा उधर। ये है कुल मिला के एक चीज कहने की बात है, वहाँ पे शांति बहुत मिलती है मन को, शांति मिलती है मन को यार, कितना अच्छा जगह है, मतलब क्या ही बताऊं मैं। रात को मजा आता है, रात को जो लाइट्स ऑफ हो जाती है तो वो इतना कलरफुल लगता है। चलेंगे प्रेम मंदिर चलेंगे रात को, अरे भाई क्या ही मजा आते हैं यार, पक्का फिर।